हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब ये वाला मेकअप लुक आप ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं मैंने क्रिएट किया था इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस लुक को क्रिएट करते समय मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था डेली लाइफ फॉर एवर फिफ्टी टू प्रोफेसनल लिक्विड फाउंडेशन मेरा शेड है फोर्टीन हनी एट इसका प्राइस है थ्री ईयर्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी थर्टी एम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी एंड कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग एंड ये इनर पैकेजिंग आपको मिलेगी ये ग्लास की पैकेजिंग में तो मेक श्योर की आप इसको ध्यान रखो तो टूट जाएगी ठीक है पंप के साथ है तो वेरी कन्वीनियंट मुझे अच्छा लगता है जो भी फाउंडेशन पंप के साथ होते हैं ना तो एप्लीकेशन बड़ा स्मूथ हो जाती है इसकी कवरेज बहुत अच्छी है थिक है ये वाला फाउंडेशन पतला पतला से नहीं है चलो अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करू गाइज उससे पहले ना मैंने स्किन केयर रूटीन की थी अब देखो मैं डायरेक्ट बोल दू कि मैंने फाउंडेशन लगा लिया था तो बेस फ्लॉलेस बना था तो वो पॉसिबल ही नहीं है आपको स्किन केयर रूटीन करनी ही पड़ेगी ठीक है मैंने अच्छी तरह से गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई कर लिया था रोज वाला इससे आपके स्किन के जितने पोर्स होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं स्किन हाइड्रेट होती है डम डॉक के यहाँ पे मैंने सीरम uh, अप्लाई कर लिया था सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स में पर आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेन परसेंट ना सीरम था ये डम का फिर मैं यहाँ पे गाइस यूज फाउंडेशन अप्लाई करना हो कोई भी ये नहीं जस्ट ये वाला स्किन प्रेप सबसे पहले होती है यहाँ पे मैंने वा, वादी हर्बल्स की लिप बाम लगा ली लिप बाम का भी ये चक्कर होता है ना एट एंड लिक्विड लिपस्टिक लगाया उससे पहले आप लिप बाम अप्लाई कर लो अच्छा यहाँ पे मैं ले रही हूँ एनवाई बेकर न्यूली लॉन्च यहाँ पे प्रो कलर करेक्टिंग मेकअप प्राइमर है ये प्राइमर जरूर लगाओ चाहे आप यू you नो know, ये कलर करेक्टर वाला लगाओ चाहे आप कोई भी प्राइमर लगाओ प्राइमर लगाओ, लगाओ से आपके पोर्स आ, फिल होते हैं स्मूथ बेस बनता है फाउंडेशन चिपकता है लंबे समय तक टिका रहता है उसके ऊपर अब बारी आती है मेन इस फाउंडेशन के ऊपर रिव्यू की क्योंकि ना गाइस मैंने जब भी लाइक like, जब भी अपने चैनल के ऊपर कभी भी कोई नया फाउंडेशन यूज किया ना किसी भी ब्रांड का तो मैंने उसके ऊपर ना एक छोटी सी डिटेल में वीडियो जरूर डाले क्योंकि आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होती है अगर मैं को भी कभी फर्स्ट टाइम जैसे कोई फाउंडेशन खरीदना होता तो मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी थोड़ा समझने के लिए कि कैसा टेक्स्चर होता है कैसी लुक आएगी आ, क्योंकि आ, एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ इस छोटी प्र, कम प्राइस तो है नहीं देखो ठीक है ना स्पेंड करना होता है एंड हमें होता है कि फ़ाउंडेशन अच्छा निकले जो कि एकदम तो फ्लॉलेस है बेस मेकअप दे अच्छा ये जब आप फाउंडेशन वाली क्लिप्स देखोगे ना कोई स्पीड नहीं मैंने बढ़ाई कोई कटिंग नहीं मैंने की ओरिजिनल आप देखोगे क्योंकि ये वीडियो है ही डेडिकेटेड वीडियो मैंने फाउंडेशन के ऊपर रखी है ठीक है जिनको लेना है तो उनको हेल्पफुल भी हो जाएगी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मेरा शेड है फोर्टीन हनी हमने डॉट 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 करके फाउंडेशन लगाना कभी भी एक साथ भर के पैच बना के मत लगाया करो अब जैसे आप कंफर्टेबल हो ब्रश के साथ उसको स्प्रेड करना आप ब्रश के साथ कर लो मेरे को ब्रश के साथ करने में आई डोंट नो मतलब मैं पता नहीं पिछले चार साल से YouTube में मेकअप कर रही हूँ तो मुझे ना हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही तसल्ली मिलती है बहुत सीमलेस लुक आती है ब्यूटी ब्लेंडर ये गाइस पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है एंड गीला करके अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से वेट करके उसके बाद आपने इसको स्क्वीज आउट करना होता है ब्यूटी ब्लेंडर उसका भी यूज करने का तरीका होता है गलत तरीके से यूज करोगे आपका फाउंडेशन वो सारा खा जाएगा फिर आप बोलोगे कि फाउंडेशन की कवरेज ही नहीं हमें मिली समझ आ रही है आप ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना फाउंडेशन की अगर आपको अच्छी तरह से कवरेज चाहिए तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छी तरह से वेट होना चाहिए एक्सेस वाटर रिमूव होना चाहिए आपने फाउंडेशन की कवरेज देख ही ली एंड ये जो वीडियो चल रही है ना ओरिजिनल टाइम पे चल रही है मैंने इसमें कोई स्पीड नहीं बढ़ाई तो यू कैन सी कि बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर रहा था कवरेज बहुत अच्छी आई थी सीमलेस लुक आई थी मतलब मुझे पसंद आया ये मैंने खुद मंगवाया था फाउंडेशन दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो ये मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजा था uh, अब कुछ अच्छे अच्छे जो फाउंडेशन है ना जो मैंने सुना है कि दे आर गुड गुड हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं तो मैंने ऐसे दो तीन फाउंडेशन मंगवाए थे तो एक तो ये रहा बाकी के और दो मैंने फाउंडेशन मंगवाए हुए हैं उनकी भी मैं डिटेल में इसी तरह से आपको वीडियो भी शेयर करूंगी प्लस अपने मेकअप लुक में भी दिखाऊंगी हमने थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन नेक पर भी अप्लाई कर लिया ठीक है ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे फेस के ऊपर ज्यादा शाइन आती है गले पे शाइन क्यों नहीं आती मेरे सामने ना रिंग लाइट लगी होती है तो हमारा मुह एक सामने होता है थोड़ा सा पीछे होता ना यार ऊपर से हम उसको कॉन्टोर भी करके हल्का हल्का नेक पे ब्राउन सा करते हैं कॉन्टोर कलर तो इस वजह से आपको लगता है कि मैं अपलाई नहीं करती गले के ऊपर फाउंडेशन में जरूर अपलाई करती हूँ अच्छा मैंने यहाँ पे कंसीलर नहीं लिया क्योंकि हमने तो एक प्रोडक्ट को हमने ट्राई करना अपने बेस में है ना तो हमने कंसीलर नहीं लिया मैंने यहाँ पे क्या किया उसी फाउंडेशन को फॉर एवर फिफ्टी टू के फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा जस्ट एज माई कंसीलर मैंने इसको अप्लाई कर लिया इसका टेक्सचर भी थोड़ा थिक है तो ये कंसीलर का भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है ना आपने देख लिया सेकंड लेयर मैंने लगाई लेकिन बहुत कम अगर आप चाहते हो कि आपका फाउंडेशन आपको फ्लॉलेस दिखे बेस आपका अच्छा दिखे तो बहुत कम लगाना है आपने ठीक है अगर आप मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को देखोगे ना वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते एक ही बार में भरने से ना आम, आपको यू you नो know, थोड़ा सा केकी पैची सा मेकअप लुक लगता है तो बस मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया बाकी का मेकअप आप अगर आपने डिटेल में देखना है इनकेस अगर आप पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो तो गाइज ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है आप जाके देख लेना उसमें आपको पूरा मेकअप आप, हेयर स्टाइल ज्वेलरी एवरीथिंग सबकी डिटेल मिल जाएगी ठीक है इस वीडियो में मुझे सिर्फ फाउंडेशन पे फोकस करना था अब फाउंडेशन ऐसे ही लगा कि आपने नहीं छोड़ना अब आपने अपने फाउंडेशन को सेट करना तो मैंने यहाँ पे लैकमे का वो ले लिया कॉम्पैक्ट ले लिया मैं यहाँ पे सिर्फ ना एक तरफ आपको सेट करके दिखा लूँ कि एक तरफ सेट किया तो देखो कितना सीमलेस बेस बन गया नहीं सेट करोगे ना तो वो क्रीज करना शुरू हो जाएगा ओके गाइस पर्पल डॉट कॉम पर सेल ना स्टार्ट होने वाली है पर्पल पार्टी सेल 50 परसेंट तक आपको ऑफ मिल जाएगा सेल स्टार्ट होगी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर से ट्वेंटी सेवन दिसंबर तक तो आप इसका फायदा भी जरूर उठाना एंड सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बाकी का मैंने मेकअप क्या अप्लाई किया तो आपको मेरी मेन वीडियो देखनी पड़ेगी ठीक है तो चलो फिर मिलते तो अपने नेक्स्ट वीडियो में चिल्लैन बाय बाय लव यू दो और मैंने ऐसे फाउंडेशन मंगवाए हैं तो उनका भी हम डिटेल में इसी तरह से वीडियो बनाऊंगी अच्छी लगी ना तो बताना जरूर कॉमेंट बॉक्स में सबके साथ शेयर जरूर Bye.